सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 सॉल्व करने वाले हैं और ये जो एक्सरसाइज 1.6 इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमने सेट्स पढ़ा है, हमने सबसेट्स पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं। तो उन सब का अभी हमें क्या करना है, यूज करना है बाय यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं जो क्या है एप्लीकेशन बेस्ड है ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कुछ हमें यहाँ पे फॉर्मूलाइज नोट करना है, ठीक है। आप काइंडली उसे नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ, ठीक है, माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देन सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ ए माइनस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो a माइनस बी है ना, इसी का मतलब क्या होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसी का मतलब क्या होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हमने इसको और करके लिख लिया है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ b, ठीक है, माइनस ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b। और ये जो b माइनस है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ b माइनस ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे फॉर्मूलाज है, ये कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो हमें क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको नोट करना है, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी सेट्स पढ़े, यहाँ पे जितने भी हमने सेट्स के टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसका अभी हमें क्या करना है, बाय एप्लीकेशन यूज करना है कि उसको हम हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमने यहाँ पे लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स, ठीक है, एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, ऑर्डर ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 एंड ऑर्डर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू अगर आपको 38 दिया हुआ है, देन फाइंड एन ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको गिवन, ठीक है, व्हाट इज गिवन टू अस, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ x जो है हमारे पास कितना है 17 है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ y हमारे पास दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ y हमारे पास कितना है 23 है, ठीक है। एंड देन ऑर्डर ऑफ x यूनियन y हमें दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 38, ठीक है। और हमें क्या बोला है, फाइंड ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ y माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज अवेलेबल है, ऑर्डर ऑफ x यूनियन y हमारे पास कितना है 38 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ x हमारे पास 17 है, ठीक है, देन प्लस ऑर्डर ऑफ y हमारे पास 23 है और माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज x इंटरसेक्शन y। तो इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 38 जो हमारा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 17 प्लस 23 जो है हमारा ये 40 हो जाएगा माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसी को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y था इसको आप इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, ये जो 40 है इसको आप यहाँ पे सेम रखेंगे और 38 को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 38। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू जो है वो मिलेगा 2, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। देन देखते बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, x हैज 8 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिर्फ फिर से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एक्स यूनियन वाई नोट करेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ एक्स यूनियन वाई अगर आप नोट करते हैं तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे एक्स यूनियन वाई हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आप ऑर्डर ऑफ एक्स में आप देखो, ठीक है, कि एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। एक्स में कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 8 है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। देन हमारे पास देखो यहाँ पे वाई में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, वाई में कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है। सो ऑर्डर ऑफ वाई कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन डज x इंटरसेक्शन y हैव, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज किया था। ऑर्डर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ x प्लस ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है, सब इसमें हमें पुट करना है। ऑर्डर ऑफ x यूनियन y हमारे पास 18 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ x हमारे पास 8 है, प्लस ऑर्डर ऑफ y हमारे पास 15 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 18 है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, 8 प्लस 15 इज 23 माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y को आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या होगा, 23 जो है आपका एज इट इज है, 18 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका -18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे 5, ठीक है। कितना मिलेगा, 5, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दी एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। बहुत सिंपल से इसके सॉल्यूशंस है, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बेटा एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 200 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब यहाँ पे कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन बनाया हुआ है 400 पीपल्स का, 400 लोगों का यहाँ पे कलेक्शन बनाया है, और उसमें से 250 लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 200 लोग जो है वो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे ये निकालना है कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से जो 200 और 250 है उनमें से कितने लोग जो है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों का पता निकालना है, ठीक है। ऐसे लोगों का नंबर आपको निकालना है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोल सके, मतलब क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट एच इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, स्पीकिंग हिंदी। तो यहाँ पे देखो कि H इज अ सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, ठीक है। देन E इज इक्वल टू लेट E सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। E बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब क्या, ये जो H और E का यूनियन है, ठीक है, H और E का यूनियन कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 400 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, या फिर आप इसको पहले ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ E लिख लो। यहाँ पे क्या है, हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, 250 है, हिंदी बोलने वाले लोग कितने, 250 लोग जो है हिंदी बोल सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 250, ठीक है। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ E, है ना, ऑर्डर ऑफ मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग जो हमारे पास कितने हैं, 200 है, ठीक है, कितने हमारे पास 200 है, ठीक है। और साथ में हमारे पास दोनों का कलेक्शन कितना है, अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो दोनों का कलेक्शन कितना है बेटा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ H यूनियन E, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों कॉम भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो फिर से हमारे पास वही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ E माइनस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यार इसमें आप पुट करेंगे। H इंटरसेक्शन H यूनियन E कितना है, ऑर्डर ऑफ H यूनियन E इज 400। ठीक है, दैट इज 400 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इज 250। ठीक है, देन प्लस ऑर्डर ऑफ H E इज 200। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज 400 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 450 माइनस ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज कितना मिलना चाहिए, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे, 400 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 450 माइनस 400 कितना हो जाएगा बेटा, कितना होना चाहिए 50। ठीक है, सो जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो किसका ऑर्डर कितना है 50। कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं 50। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट द एस हैज 21 एलिमेंट्स, है ना। तो इसके पास भैया यहाँ पे 21 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके पास कितने एलिमेंट्स है, 21 एलिमेंट्स है। टी हैज 32 एलिमेंट्स, टी के पास जो है वो 32 एलिमेंट्स है। एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स। ठीक है, और जो एस इंटरसेक्शन टी जो सेट है उसके पास हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 11 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि बहुत सीधा सा, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, सब आपको दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एस जो होगा वो 21 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एस जो है उसके पास 21 एलिमेंट्स है, टी जो है उसके पास 32 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एस इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन टी के पास जो है वो 11 एलिमेंट्स है, मतलब 11 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपको क्या बोला है कि फाइंड एस यूनियन टी। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हमने पहले भी नोट कर रखा है, इसको हम फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एस के भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, टी के भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एस इंटरसेक्शन टी के भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है, एस यूनियन टी फाइंड आउट करना है। जैसे हम ये फॉर्मूला जो है सेट ए और बी के लिए लिख सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला किसी भी सेट्स के लिए लिख सकते हैं ना, किसी भी तरह के सेट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये फॉर्मूला हमें एस और टी के लिए लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सो गिवन भैया क्या दिया हुआ है यहाँ पे, S has 21 एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ S जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ S जो है वो हमारे पास 21 है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ T आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज 32। ठीक है, ऑर्डर ऑफ T इज इक्वल्स टू आपको 32 दिया हुआ है। एंड देन ऑर्डर ऑफ S इंटरसेक्शन T भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ S इंटरसेक्शन T कितना है हमारे पास, 11 है। ठीक है, कितना है, 11 है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, S ऑर्डर ऑफ S यूनियन टी, मतलब S यूनियन टी के S यूनियन टी के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ S यूनियन टी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो सेम फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या है, वहां पे A एंड B हमने सेट एज अ सेट यूज किए थे, आपको यहाँ पे S एंड T यूज करने। तो सेम फॉर्मूला अगर आप नोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ S, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ S प्लस ऑर्डर ऑफ T माइनस क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ S इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो ऑलरेडी वैल्यूज आपको सारी यहाँ पे दी हुई है, इसमें जस्ट आपको पुट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ S यूनियन, ऑर्डर ऑफ S जो है आपको कितना दिया हुआ है, 21, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ T कितना आपको दिया हुआ है, 32, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑर्डर ऑफ S इंटरसेक्शन T जो है वो आपको 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21 प्लस 32 कितना होता है, 53। है ना, कितना हो जाएगा 53 माइनस 11, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू 53 माइनस 11 जो है वो हो जाएगा आपका 42, ठीक है। कितना होना चाहिए 42, ठीक है। 53 माइनस 11 इज इक्वल टू व्हाट 42, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ S यूनियन T। सो देयरफॉर आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे सो, ठीक है। सो S यूनियन T हैज, ठीक है, हैज 42 एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स भी है इसके पास 42 एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है 42 एलिमेंट्स है, ठीक है। देन हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है इफ x एंड y आर द टू सेट्स, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, ठीक है। x के पास कितने एलिमेंट्स है 40 एलिमेंट्स है। x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, ठीक है। x यूनियन y के पास कितने एलिमेंट्स है 60 एलिमेंट्स है। एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। देन आपको क्या बोला है कि y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है x के पास यहाँ पे 40 एलिमेंट्स है, x यूनियन y के पास यहाँ पे 60 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे x इंटरसेक्शन y जो है उसके पास कितने एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। इसके जैसा ही हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। सब आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है उसको नोट करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे नोट करेंगे। सो भैया एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर से आप क्या करेंगे इसको नोट कर लेंगे, है ना। गिवन, ठीक है, गिवन ऑर्डर ऑफ x मतलब x के पास कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है वहां पे x के पास जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 40 है, ठीक है। x हैज 40 एलिमेंट्स, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y के पास कितने एलिमेंट्स है 60 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y इज इक्वल्स टू आपको 60 दिया हुआ है। एंड ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10, ठीक है। इसके पास 10 एलिमेंट्स है और हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ y, हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ y। बहुत आसान एग्जाम्पल है, फिर से यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमने a एंड b यूज किया था, आपको यहाँ पे सेट जो है x एंड y लेना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अगेन वी हैव, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे। वी हैव ऑर्डर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ y माइनस क्या लिखना है ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यार इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते तो बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है। ऑर्डर ऑफ x यूनियन y जो है हमारे पास 60 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ x जो है वो आपके पास 40 है, प्लस ऑर्डर ऑफ y जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो आपको 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 10 इज 30, प्लस कितना होना चाहिए ऑर्डर ऑफ y, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 60, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ y, एंड दैट इज व्हाट ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30 जो कितना होता है 30 होता है, ठीक है। सो दस y हैज अ कितने एलिमेंट्स भैया y के पास, y के पास कितने एलिमेंट्स है 30 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो 10, ठीक है, 10 y हैज, ठीक है, y हैज 30 एलिमेंट्स, ठीक है। y के पास भैया कितने एलिमेंट्स है 30 एलिमेंट्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान से एग्जांपल से आप बहुत आसानी से ये जो फॉर्मूला है इसको आप यूनिवर्सल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बहुत से एग्जांपल्स जो है सॉल्व करने हैं, बहुत आसान एग्जांपल्स है, ठीक है। देन भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, क्या कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, है ना। आपको एक बात बिल्कुल माइंड में रख लेनी है कि ग्रुप बोला है तो कलेक्शन होता है। ग्रुप मतलब क्या होता है कलेक्शन समूह, ठीक है, कलेक्शन समूह। और जब भी ग्रुप आता है तो आपके ध्यान में रखना है कि इट इज यूनियन, है ना। कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे यूनियन, ठीक है। तो यहां पे आपको बिल्कुल अपने माइंड में ये बात भर लेनी है कि कलेक्शन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है यूनियन, ठीक है। कलेक्शन इज इक्वल टू यूनियन। और अगर कॉमन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, कॉमन अगर यूज हुआ तो इसको आपको समझना है कि ये हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या है हमारा ये इंटरसेक्शन। आगे बात ध्यान में, ठीक है। जब भी ग्रुप या फिर कलेक्शन वर्ड यूज हुआ है तो आपको समझना है कि वो क्या है यूनियन है। और जब भी कोई कॉमन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, कोई कॉमन वर्ड यूज हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कि वो हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन अ ग्रुप ऑफ 70 मतलब 70 पीपल, कुछ 70 लोगों का इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है या फिर समूह बनाया हुआ है। उसमें से क्या है कि 37 लाइक कॉफी, ठीक है, उसमें से जो 37 लोग हैं उन्हें कॉफी पसंद है। 52 जो है उनको चाय पसंद है, ठीक है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब उसमें से हर एक बंदे को या तो फिर चाय पसंद है या फिर कॉफी पसंद है। ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको दोनों भी ड्रिंक्स पसंद नहीं है, ठीक है। एक तो उसे चाय पसंद होगी या तो फिर उसको कॉफी पसंद होगी, बट एटलीस्ट एक ड्रिंक जो है उसे पसंद है, ठीक है। देन आपको क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ द कॉफी एंड टी, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है यार, है ना, कि जहां पे भी वर्ड कलेक्शन आता है आपको ध्यान में रखना है इट इज यूनियन, और जहां पे भी आपका कॉमन वर्ड आता है कॉमन, ठीक है, जब दो लोगों का या फिर दो समूहों का कॉमन कलेक्शन बनाया जाता है, कॉमन कलेक्शन बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ द कॉफी एंड टी, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ द कॉफी एंड टी। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको कॉफी भी पसंद है और चाय भी पसंद है ना। तो हमें क्या करना है, इन लोगों को ढूंढ के निकालना है कि इसमें से कितने लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, ये जो कलेक्शन हमने लिखा हुआ है इसको हम फिर से यूनियन के फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट नोटेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 का हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखने वाले भैया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 का हम सोल्यूशन लिखने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट कैपिटल टी, ठीक है, लेट कैपिटल टी बियर, ठीक है, लेट कैपिटल टी बियर सेट ऑफ पीपल, बियर सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स ठीक है टी, हु ड्रिंक्स टी, मतलब कैपिटल जी है, कैपिटल टी जो है वो ऐसे लोगों का सेट है जो चाय पीते हैं, ठीक है। यहां पे आप कैपिटल सी नोट करेंगे, लेट कैपिटल सी बियर सेट, ठीक है, बी अ सेट ऑफ पीपल, बी अ सेट ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल हु, ठीक है, हु ड्रिंक्स, ठीक है, हु ड्रिंक्स कॉफी, ठीक है, हु ड्रिंक्स कॉफी, ठीक है। तो कैपिटल टी जो है वो ऐसे लोगों का सेट जो है वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और कैपिटल सी जो है वो ऐसे लोगों का सेट है जो क्या करते हैं यहाँ पे कॉफी पीते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल जो लोग हैं, ठीक है, जो कलेक्शन बनाया हुआ है, जो समूह बनाया हुआ है वो कितना है, 70 है, ठीक है, और कितने लोग जो है वो चाय पीते हैं, ठीक है, 37 लोग जो है वो कॉफी पीते हैं और 52 लोग जो है वो चाय पीते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ टी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टी, सो ऑर्डर ऑफ टी भैया कितना हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल टू, मतलब चाय पीने वाले कितने लोग हैं, चाय पीने वाले लोग हैं यहाँ पे 52, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ सी, मतलब कॉफी पीने वाले भैया लोग कितने हैं यहाँ पे, कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, 37 है, ठीक है, कितने हैं, 37 है, और जो दोनों का कलेक्शन बनाया हुआ है, समूह बनाया हुआ कितना है, 70 है, ठीक है, कितना है, 70 है। सो ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ऐसे लोग ढूंढ के निकालने हैं कि जो दोनों कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, ठीक है, या फिर टी भी पीते हैं। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, टी इंटरसेक्शन सी जो है वो भैया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से यार हम वही यूनिवर्सल फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो फॉर्मूला है बहुत सा यूनिवर्सल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको रेगुलरली यूज करना है, तो इसको हमारे माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है ना, वहाँ पे सेट ए और बी था, हमारा सेट यहाँ पे टी और सी है, ओनली ए और बी की जगह पे हमें टी और सी रिप्लेस करना है। तो ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ टी प्लस ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सी माइनस ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ टी यूनियन सी आपको कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी कितना भी है, 37 है, प्लस ऑर्डर ऑफ सी कितना है, 52 है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ टी जो है वो हमारे पास 52 है, सॉरी ऑर्डर ऑफ टी जो है वो हमारे पास 52 है, प्लस ऑर्डर ऑफ सी जो है वो हमारे पास 37 है, और माइनस हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा हमारा 70 इज इक्वल टू 52 प्लस 37 कितना होना चाहिए, 89, ठीक है, कितना होना चाहिए, 89, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो है इसको हम इधर ला लेंगे, ये 89 जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और 70 को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा भैया हमारा -70, कितना हो जाएगा, -70। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ T इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू मिलेगा 19। ठीक है, कितना मिलेगा 19, कितना होना चाहिए 19। तो ऐसे लोग कितने हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, वो कितने लोग हैं 19। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के ऊपर, है ना। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या कह रहा है ये, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। तो फिर से यहाँ पे लोगों का कोई समूह है, इन्होंने बना के रखा हुआ है 65 पीपल्स का। ठीक है, उसमें से क्या है कि 40 पीपल लाइक क्रिकेट, मतलब 40 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, 10 लोग ऐसे हैं, ठीक है 10 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इसमें से कैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है। ठीक है, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, और इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ टेनिस पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ठीक है, इस वाले को तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ये जो बोला है ना कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसको तो खैर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 65 लोग दिए हुए, 65 लोगों का मतलब कलेक्शन है, कलेक्शन क्या होना चाहिए यूनियन। ठीक है, तो यूनियन जो है वो आपको 65 दिया हुआ है। इसमें से क्या बोला है कि 40 लोगों को जो है वो क्रिकेट पसंद है और 10 लोग ऐसे है जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है, मतलब कॉमन वर्ड आ गया। और जब कॉमन वर्ड आता है तो आपको क्या समझना है, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको हम सेट नोटेशन दे देंगे। इसको हम क्या करेंगे, सेट्स को पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल से लेटर्स आपको यूज करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं आपको उसी को यूज करना, आप अपने मन से, आपके हिसाब से जो आर्बिट्री सेट्स आप लेना चाहे उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है कि 40 लोग जो ऐसे उनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो यहां पे आप करेंगे क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट कैपिटल सी बी द, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल्स, ठीक है, सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक क्रिकेट, ठीक है, हु लाइक क्रिकेट, ठीक है, हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, द नेक्स्ट इज लेट कैपिटल टी, ठीक है, लेट कैपिटल टी बी द, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक, ठीक है, हु लाइक टेनिस, ठीक है, हु लाइक टेनिस। ठीक है, मतलब कैपिटल टी जो है वो क्या करे, ऐसे सेट, ऐसा सेट है जिसके अंदर कैसे लोग हैं जो क्या करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। और कैपिटल सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो लोग प्रेजेंट है उन्हें क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यार कि टी जो है, ठीक है, 40 लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सी कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सी जो हो जाए क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 40। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सी हमारा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ठीक है, देन आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब आपको यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यूनियन है, ठीक है, किसका यूनियन, सी एंड टी का। सो ऑर्डर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 65। ठीक है, कितना होना चाहिए 65। देन क्या बोला है कि 10 लाइक बोथ द क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब कॉमन वर्ड आ गया, बोथ मतलब क्या है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यार, कितना होना चाहिए 10। ठीक है ना, कितना होना चाहिए 10। देन आपको क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, क्या बोला है आपको, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ T जो है हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और नेक्स्ट हमें क्या बोला है यार, क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा और टेनिस भी पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें को सिर्फ टेनिस पसंद हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है और क्रिकेट वो नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, कि मान लो अगर हमने टी माइनस सी ले रखा है, ठीक है, मान लो कि यार हमने क्या ले रखा है, t माइनस सी ले रखा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो t है ये क्या है, टेनिस खेलने वालों का सेट है, और ये जो कैपिटल सी है वो क्या है, क्रिकेट खेलने वालों का सेट है। तो जब आप इस टी में से सी को निकाल देंगे, है ना, क्या करेंगे आप, जब इस टी में से सी को निकाल देंगे तो जितने लोग इसमें ऐसे प्रेजेंट है कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, वो भी एलिमिनेट यहाँ पे हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये जो टी है वो टेनिस खेलने वालों का सेट है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा, है ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा। तो जब आप टी माइनस सी करेंगे ना, क्या करेंगे आप, जब टी माइनस सी करेंगे तो इस टी में से वो सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, वो सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ T माइनस सी, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ T माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ T फाइंड आउट करेंगे, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो यार भैया फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले जो मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि ये फॉर्मूला कैसा हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे ए एंड बी हमने सेट ले रखा था, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सी एंड टी ले रखा है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ C प्लस ऑर्डर ऑफ T माइनस ऑर्डर ऑफ क्या होना चाहिए, C इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारी वैल्यूज दे रखी है। ऑर्डर ऑफ C यूनियन T आपको दिया हुआ है 64 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ C कितना है हमारे पास, 40 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ T, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ऑर्डर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, 10, ठीक है। तो इसको अगर आप इवेल्युएट करें, ठीक है, सॉरी ये 65 है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है हमारा 65 है, तो इसको आपको 65 लेना है, ठीक है। तो 65 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 65 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 इज 30 प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ टी, सो इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा 35, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 35, मतलब टोटल 35 लोग जो है वो क्या खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है, टेनिस खेलते हैं। तो इसमें ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या खेल रहे होंगे, उनको क्रिकेट भी आता होगा या फिर वो क्रिकेट भी खेलते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ t माइनस सी फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ t माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ a माइनस बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू आपका होता है ऑर्डर ऑफ a माइनस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो इसी सेम फॉर्मूला के हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, फिर से इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ t माइनस सी अगर आपको फॉर्म करना है तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a माइनस ऑर्डर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ऑर्डर ऑफ t माइनस सी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ t माइनस ऑर्डर ऑफ क्या होना चाहिए, T इंटरसेक्शन C या फिर C इंटरसेक्शन T, ठीक है, कितना हो जाएगा C इंटरसेक्शन T। आप C इंटरसेक्शन T लो या फिर T इंटरसेक्शन C लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इंटरसेक्शन इज अ कम्यूटेटिव, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ T माइनस C इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी। तो भैया ऑर्डर ऑफ टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ टी जो हमने अभी फाइंड आउट किया था वो कितना है हमारा 35 है माइनस, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है, ऑर्डर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है हमारे पास 10 है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऑर्डर ऑफ टी माइनस सी जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे टोटल, ठीक है, सिर्फ सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, 25 है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, 35 है ना, जितने लोग टेनिस खेलते हैं उनका नंबर कितना है 35, मतलब 35 लोग टेनिस खेलते हैं और उसमें से सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग जो है वो कितने हैं, 25 है, ठीक है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, 25 है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये इन अ कमिटी, ठीक है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक French, 20 speak Spanish and 10 speak both the Spanish and French. How many these speak at least one of these two languages? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है कि कोई कमेटी है, उस कमेटी में 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं और 10 लोग ऐसे हैं कि जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोगों 50 लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग जो है क्या बोलते हैं स्पेनिश बोलते हैं और दोनों जो लोग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब कॉमन, उसका मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, कि स्पेनिश और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हमारे पास कितने 10 है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दीज स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे लोगों का कलेक्शन बनाना है कि जो स्पेनिश बोलते हो या फिर फ्रेंच बोलते हो। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों भाषाएं बोलते तो भी ठीक है, अगर स्पेनिश बोलते हैं तो भी ठीक है, या फिर फ्रेंच बोलते हैं तो भी ठीक है, बट आपको ऐसे सारे लोगों का कलेक्शन बनाना है। इतने सारे लोग आपको ढूंढने हैं कि जो क्या करते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं और एटलीस्ट स्पेनिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सा सिंपल, अगेन बहुत सिंपल सा सोल्यूशन इसका हम लगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है वो हमारा 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट नोटेशन यूज करेंगे। सो लेट, ठीक है, लेट कैपिटल एफ मतलब फ्रेंच है, ठीक है, लेट कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल who speak French, ठीक है, who speak French, ठीक है, who speak French, and let capital S is equals to the set of people, ठीक है, is equals to the set of people who speak, ठीक है, who speak, ठीक है, who speak, ठीक है, sorry, who speak स्पेनिश, ठीक है, who speak स्पेनिश, जो क्या करते हैं स्पेनिश भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर ऑफ एफ जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, ठीक है, देन एस जो है नंबर ऑफ स्पेनिश बोलने वाले लोग कितने हैं, ऑर्डर ऑफ एस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना है ऑर्डर ऑफ एस इज 20 है। ठीक है, और देन आपको यहाँ पे क्या बोला है कि 10 लोग जो है ऐसे है जो फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। तो बेटा ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको कलेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कलेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एस यूनियन टी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एस इन यूनियन टी इज इक्वल्स टू क्या होता है ऑर्डर ऑफ एस प्लस ऑर्डर ऑफ टी माइनस कितना होना चाहिए ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे f हमने लिया हुआ है। ठीक है, सो s यूनियन f होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए यहाँ पे s यूनियन f, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका s यूनियन f, ठीक है, s यूनियन f, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए f, ऑर्डर ऑफ f, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ S union F is equals to order of S plus order of F minus order of S union F, तो is equals to कितना हो जाएगा implies S order of S union F is equals to order of S कितना है हमारे पास 50 है plus order of F हमारे पास कितना है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ एस जो है वो हमारे पास 20 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एफ कितना है हमारे पास 50 है, और यहाँ पे माइनस ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ जो है वो कितना है हमारे पास 10 है, कितना है 10, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 70 माइनस 10, सो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑर्डर ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा 60, ठीक है, कितना मिलना चाहिए 60। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्पीकिंग फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास 60, ठीक है, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 60 पीपल्स।